राजस्व विभाग में सेवा दे रहे कोटवारों ने समय पर वेतन नहीं मिलने सहित अन्य मांगों को लेकर एक बार फिर शासन का ध्यान आकर्षण किया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे कोटवारों ने 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर निराकरण की मांग की। कोटवारों ने डिप्टी कलेक्टर को बताया कि उन्हें बीते 2 माह से वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा वर्दी की राशि दिलाए जाने के साथ 60 वर्ष से सेवाएं दे रहे कोटवारों के स्थान पर परिवार के सदस्य को उनके पद पर नियुक्ति दी जाए। पंचायत क्षेत्र में सरपंच सचिव से राहत राशि दिलाए जाने का प्रावधान किया जाए। अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान भी रखा जाए जैसी मांगे शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। हमारी मांगे पूरी करो। आम साम एक है। आम साम एक है। हमारी मांगे ले लिया पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। कोटवार एकता जिंदाबाद। कोटवार एकता जिंदाबाद। मध्य प्रदेश लघु वेतन कोटवार संघ। हमारे कोटवार भाई जिला स्तर पे कलेक्टर साहब के पास महोदय के पास आए हैं। हमारी पुकार है कि हमें 2 महीने का वेतन अभी तक रुका है और इसके पश्चात हमारे जो वर्दी का पैसा आया हुआ था वो भी हमें अभी तक मिला नहीं है। प्लस इसके बाद जो ग्राम में काम करते हैं तो सरपंच सचिव हमें धमका के चमकाते हैं। हमें बोलते हैं कि तुम अगर पंचायत का काम नहीं करोगे तो तुम्हें हटा जाएगा, तुम्हारी शिकायत तहसील में दर्ज करवाएंगे। और इसके बाद जो 60 वर्ष के कोटवार भाई है वो अपने अपने जगह पे कार्यकर्ता जो है वो अपने जगह जो अपने बच्चे को जो लगाना चाहते हैं तो उनको आदेश उनका किया जाए और उन्हें जल्दी जल्दी लगाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कालूराम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।